Sir, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA. Thank you. It's been great seeing you. We know that आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आए हैं, तो बताइए कि क्या नया वेंचर आपके दोस्त साई और शक्ति लेके आ रहे, if you can say anything. Well, it's Purple Morning Pictures, as you've seen, they've started off with this venture, not right now, some time back. She's already made a few films, and but अब इसका YouTube platform, YouTube पे उनकी बहुत सारी films आप देखेंगे, music videos आप देखेंगे, and many of them will be obviously directed by Sai herself. I think she's doing a wonderful job. You've loved her as an actor on television. And I envy her because मुझे ऐसा लगता था यार ये काम बड़ा मुश्किल है जो वो इस वक्त कर रही है. कैमरा के पीछे जाके काम करना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, स्पेशली जब आप ऑलरेडी कैमरा के आगे रह चुके हैं. आदत पड़ जाती है, मज़ा भी आता है, और उसके बाद ये काम करना जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एंड डायरेक्टर तो फॉर श्योर नो, आई डोंट थिंक दैट्स माई कप ऑफ टी एट ऑल. अपना खुद का ही काम कर लूँ बराबर से उतना ही बहुत है, तो मैं दूसरों को बताऊँ ये तो मुझे नहीं लगता मेरे अंदर वो काबिलियत है. बट साई डेफिनेटली हैज़ दैट इन हर, नो डाउट अबाउट दैट, एंड ऑलरेडी सीन इट. एंड एज आई सेड वेल, और आपके इस सवाल का जवाब कि मैं कब उनके साथ ये काम करते हुए दिखूँगा या साथ में काम करते हुए दिखूँगा, तो वेल वी हैव बीन इन टॉक्स इन टर्म्स ऑफ, बट आई एम श्योर साई विल कम अप विद समथिंग फॉर श्योर, एंड इट वुड बी अ प्लेजर प्लेजर टू वर्क विद हर एंड आवर टीम. How I wish, ma'am, I really had a reason to give you that what is stopping me. There is no reason that I have that is stopping me from doing television or any other work. I can't even say that I'm lazy because I don't think I'm lazy at all. What else reason, what और क्या कारण दूँ मैं आपको कि मैं क्यों नहीं हूँ. आई थिंक बहुत सालों के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यू नो यू, जैसे मैंने एक शो किया था थोड़े साल पहले, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसे शोज आपके पास आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है यार इसका मैं हिस्सा होना चाहता हूँ या एक कहानी का मैं हिस्सा होना चाहता हूँ, एंड यू जस्ट इंस्टेंटली से यस, एंड आई गो अ लॉट बाय इंस्टिंक्ट्स ऑल्सो. सो होपफुली, एंड आई एम रियली वॉन्टिंग टू डू समथिंग बी ऑन टेलीविजन, बी ऑन वेब. आई एम स्टिल नॉट फाइंडिंग इट राइट वेयर यू नो यहाँ से एकदम फट से कुछ आया और यू नो आपको लगे कि हाँ यार यू नो लेट्स डू समथिंग. और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग भी आपको अप्रोच करते हैं, यू नो बहुत सारी लोग कहानियाँ लेकर आते हैं आपके पास, तो बोथ हैव टू मैच एट द सेम टाइम. No, I really don't have any dream character, any dream story, because when you sit with someone, जो आपके पास कोई कहानी लेकर आए या you know कोई एक डेली सोप लेकर आए, you sit with an open mind, you sit with a very very blank page and you absorb it. जैसे वो आपको कहानी बताते हैं, और इंस्टिंक्टली कई बार ऐसा होता है कि आपको बस ऐसा लगता है यार हाँ मैं ये करना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से मैंने जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैं नहीं करूँगा, बट जैसे उनके साथ बैठा, उनका उनकी कहानी सुनी या उन्होंने बताया मुझे कि ये इस तरह से हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से हम ये कहानी करने वाले हैं, और एक अंदर से एक यू नो एक फीलिंग्स ही आती है आपको कि हाँ यू नो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दैट्स हाउ यू सेड यस. हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग में जाने से पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बात जमेगी, और वहीं पर बात जम जाती. Well, again, there have been stories. You can definitely complain. There is no doubt about that. But वो complaint ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं था, पहले भी था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा आगे भी रहेगा. बट कोशिश हम सब अपनी तरफ से हमेशा ये करते हैं कि कुछ व्यूअर्स को कुछ ऐसा दे जो उन्हें अच्छा लगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं देते आए हैं. कभी कभार कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, कई बार कुछ चीज़ें सही होती हैं, तो प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट इज़ डेफिनेटली बेटर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. बट समटाइम्स इट्स ऑल्सो अप टू द मेकर्स, यू नो आप कुछ प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट ट्राई करते हैं, कई बार वो नहीं चलता, तो यू गेट बैक टू द वंस जो हमेशा से चलता है, तो वो अप्स एंड डाउन हमेशा ही रहेगा. एज आई सेड यू नो यू विल ऑलवेज हैव सम कंप्लेंट, सम विल बी गुड, सम विल बी बैड. कौन सा शो है अब तक, अगर पिछले 5-6 साल या 10 साल में बात करें, टेलीविजन पे जो आपका पर्सनल फेवरेट रहा है, इफ यू आर वाचिंग इवन इन बिट्स एंड पीसेस? सी, देयर हैव बीन ग्रेट फिक्शन शोज, देयर हैव बीन ग्रेट नॉन फिक्शन शोज, ऑल ऑफ देम. आई डोंट रियली हैव वन स्पेशल शो वेयर आई कैन से दैट यू नो के दिस हैज बीन प्रॉब्ली वन ऑफ माय
फेवरेट वंस सो टू से लाइक यू नो ड्रामा में बहुत सारे आपने देखे ही हैं जो शोज आए हैं एंड एज आई सेड नॉन फिक्शन शोज जिन्होंने बहुत सारे ऐसे टैलेंट को मौका दिया है जिनको शायद कभी मौका मिलता नहीं अगर ये शोज नहीं होते तो यू नो तो लाइक बीट योर इंडियन आइडल और वॉइस और द डांस शो द डांसिंग सुपर स्टार्स यू नो दोज काइंड ऑफ यू नो सी द काइंड ऑफ टैलेंट दैट्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर एज वेल सो आई लव देम ऑल्सो अ लॉट And at the same time, yes, there are drama shows, there have been too many, I had to pick one favorite, to be honest. Okay, and on this note, any message to the fans? Nothing, just stay always, stay blessed, stay happy, feel fortunate to whatever that you guys have, and make the most of every moment of happiness that is there with you, make the most of it. Hi friends, this is Hussain Khwajarwala here, hope all of you guys are doing fine, and you're watching Glitz Vision USA.